हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आज आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, ये दो फंदों का डिज़ाइन जो कि बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस डिज़ाइन को आप स्लीव्स में, बच्चों के स्वेटर में, जीन स्वेटर में, आप पूरा डिज़ाइन आप इस्तेमाल करके पूरा स्वेटर आप बनाइए। फुल स्वेटर इस डिज़ाइन में बहुत ही मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, जो यही डिज़ाइन यूज़ करके जनरली बने हुए होते हैं। तो आप इसको आस्तीनों में डाल सकते हैं, स्वेटर्स में डाल सकते हैं, बच्चों के प्रोजेक्ट्स में डालिए, क्योंकि ये छोटी बुनाई है और बहुत ही खूबसूरत आती है बनने के बाद में। तो देखिए, वीडियो में इतना कलर लाइटिंग के कारण इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, पर सामने से ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम जल्दी से इसको बना लेते हैं। और ये जो डिज़ाइन है, इसको आपको बनाने के लिए चाहिए होगा मल्टीपल ऑफ 2 + 2 फंदे एक्स्ट्रा, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। और ये हमारा 4 सलाई में बनकर तैयार होता है, ठीक है। तो चलिए, row 1 राइट साइड से हम इसकी शुरू करेंगे। तो देखिए, row 1 राइट साइड, slip 1, ब्रिंग द यार्न इन बैक एंड निट ऑल द लूप्स लाइक दिस। देखिए, पहली सलाई में हम पहला फंदा उतार कर और सारे के सारे फंदे हम सीधे बना देंगे। यहाँ पर मैंने जो ये सैम्पल बनाया है, इसमें मैंने टोटल 32 फंदे लिए हुए हैं इस तरीके से, जिसको मैं पहले बताना भूल गई थी। तो मैं अभी बताया कि इसमें मैंने टोटल 32 लूप्स डाले हुए हैं। आप दो दो के हिसाब से आप इसमें कितने भी फंदे डालने चाहें, आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इस डिज़ाइन को आप मफलर में आप बनाइए, बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए, क्योंकि छोटी बुनाई है और बहुत ही प्यारा आएगा। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन का यूज़ करके मैं आने वाले टाइम में बेबी स्वेटर बनाकर डालूंगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, और बताइएगा कि स्वेटर में ये बुनाई कैसी लग रही है। तो देखिए, पहली सिलाई हमने राइट साइड से कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड row 2, slip 1, पर्ल ऑल द लूप्स इन row 2। तो row 2 में देखिए, रॉन्ग साइड से एक फंदा हमने उतार लिया। अब हम बाकी के बचे हुए फंदे जो भी हैं, उनको हम उल्टा बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, इस पूरे को हम उल्टा बना देंगे पर्ल वाइज। अब देखिए, row 2 लास्ट में ये फंदा देखिए, धागा पीछे करेंगे और इसको हम सीधा बुन देंगे, क्योंकि ये हमारा एज का फंदा है। देखिए फ्रेंड्स, 2 सलाइयाँ हमने अभी इसकी बना ली हैं। अब row 3 राइट साइड, देखिए यहीं से हमारा पैटर्न शुरू होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि इसको हमें कैसे बुनना है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे ले जाइए। अब एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। देखिए, इन row 3 slip 1 knit 1, स्लिप दिस पर्ल वाइज। ये आपका देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से आपका रिपीट पैटर्न शुरू होगा। स्लिप knit 1, slip 1 एज इफ टू पर्ल, अगेन knit 1, slip 1, अगेन knit 1, slip 1, अगेन knit 1, slip 1। तो देखिए, row 3 में एक फंदा हम बुनेंगे, एक फंदा हम उतारेंगे, एक फंदा हम बुनेंगे, एक फंदा हम उतारेंगे। देखिए, एक फंदा हमने उतारा, एक बुना, एक फंदा हमने उतारा, जैसे हम उल्टे फंदे बुनते हैं, और एक बुना, एक फंदा हमने उतारा और एक फंदा बुना, एक उतारा, एक बुना। बस आपको यही ध्यान रखना है। देखिए, मैं फिर से स्टार्टिंग बता रही हूँ। एक फंदा हमने यहाँ पर उतार लिया था, एक फंदा सीधा बुना, फिर उतार लिया, जैसे कि हमें उल्टे फंदे बनाते हैं, बस बिना बुने उतार लिया, फिर सीधा बुना, फिर उतार लिया। इस तरीके से करते हुए हम लास्ट तक इसको बना लेंगे।
ये देखिए लास्ट में ऐसे, ठीक है। रो थ्री हमने कंप्लीट कर ली है, रो फोर रॉन्ग साइड। देखिए रो फोर रॉन्ग साइड भी आपको ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ भी थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे। आप देखिए रो थ्री में ये जो सेकंड फंदा है यहाँ पर, इसको हमने उतारा था बिना बुने, तो इसको भी हम उतार लेंगे। धागा अब हम यहाँ से पीछे कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सीधा फंदा एक बुनेंगे। तो देखिए रिपीट पैटर्न क्या होगा आपका, ये स्लिप कर लेंगे, इसके बाद में स्लिप वन नेट वन, अगेन स्लिप वन पर्ल वाइज। ये देखिए धागा आगे लाएंगे, स्लिप वन ब्रिंग द यार्न इन बैक नेट वन। फिर देखिए धागा आगे लाइए, एक फंदा उतारिए, धागा पीछे करिए, एक फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए रो फोर में सीधा फंदा हम वही बुन रहे हैं जिसको हमने रो थ्री में बुना था सीधा, ठीक है। और जो फंदा हमने स्लिप किया था उसको हम यहाँ पर भी स्लिप करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका पैटर्न देखिए बन रहा है। मैं आपको ये वाला पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और अगेन एंड अगेन आप यही पैटर्न चार सलाइयाँ रो वन से लेकर रो फोर तक आप रिपीट करते हुए जाइए, तो जो मैंने पैटर्न बना कर रखा है आपका ये पैटर्न बिल्कुल वैसा ही लगेगा। ये पैटर्न बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ये देखिए और लास्ट का फंदा सीधा इसको भी बुन देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने अपने पैटर्न की ये चार सलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। तो देखिए जब आप चार सलाइयाँ बार बार रिपीट करेंगे तो आपका ये पैटर्न इस तरह से देखिए नज़र आएगा। ये देखिए इस तरीके से बेहद ही सुंदर लगने वाला पैटर्न है। और ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिंचता नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं खिंचता है, ठीक है। ये देखिए तो आप मेन बुनाई के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर लगने वाला पैटर्न है। तो फ्रेंड्स इस डिज़ाइन से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको आने वाले टाइम पर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू।